17 महीने जेल में रहने के बाद फिर लगातार पद यात्रा करके दिल्ली वालों से मिला हूँ। लोगों का प्यार और सम्मान मिला है। लोग मुझसे कह रहे हैं कि अब जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। आपकी सरकार दिल्ली में जनता के लिए काम कर रही है और इसी से परेशान होकर बीजेपी ने हमें जेल भेज दिया। बीजेपी ने दिल्ली तबाह करने का प्रयास किया लेकिन वो नाकाम रहे। और आगे सुनिए क्या कुछ कहे। आपने फिर से पदयात्रा शुरू करी है, कैसे रहे लोगों का? पदयात्रा मेरी लगातार चल रही है जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ, 17 महीने जेल में रहने के बाद। और हर कॉलोनी में, हर विधानसभा में, मोहल्ले में जहाँ मैं जा रहा हूँ, हर जगह लोगों का बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है और लोग बहुत खुश हैं कि मैं आ गया। केजरीवाल जी भी आने वाले हैं और 9 साल जिस तरह से केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत करके दिल्ली के लोगों का एक एक काम कराया, वो चाहे बिजली पानी से संबंधित हो, सीवर से संबंधित हो, वो चाहे स्कूल अस्पतालों से संबंधित हो, जब बीजेपी केजरीवाल जी के कामों को नहीं रोक पाई और केजरीवाल जी की पॉपुलरिटी को नहीं रोक पाई, जनता में उनके प्रति प्यार को नहीं रोक पाई, तो उसके बाद उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। निश्चित रूप से ये एक साजिश थी कि 9 साल का काम और बीजेपी ने एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की और 1 साल का LG का काम, आप तुलना कर लीजिए कि 9 साल का अरविंद केजरीवाल जी का काम और 1 साल का LG का काम जब उसने मुझको और अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, पूरी दिल्ली तबाह करने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं और जो भी काम रुके हुए हैं सारे काम करेंगे केजरीवाल।